नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम जो आपको कल बता रहे थे, हमने आपको ट्रेचुरेशन के बारे में बताया था, सॉल्यूशंस के बारे में बताया था और मतलब सब्सटेंसेस के बारे में बताया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे कैसे तैयार करते हैं और किन किन मेथडों से करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयरिंग होम्योपैथिक ड्रग्स, जो होम्योपैथिक ड्रग्स को प्रिपेयर किया जाता है वो दो मेथड से किया जाता है, ए ओल्ड मेथड और बी न्यू मेथड। तो आज हम ओल्ड मेथड के बारे में बात करेंगे, इसलिए न्यू मेथड को यहां से हटा देते हैं। तो चलिए ओल्ड मेथड के बारे में जानते हैं। ओल्ड मेथड गिवन बाय डॉक्टर हैनीमैन, मेडिसिन फ्रॉम वेजिटेबल एनिमल एंड मिनरल ड्रग सब्सटेंसेस। जो हमारे ओल्ड मेथड को जो दिया था वो डॉक्टर हैनीमैन जी ने दिया था और इसमें हम वेजिटेबल एनिमल्स और मिनरल्स की ड्रग सब्सटेंसेस से ही मेडिसिन तैयार करते हैं। अगर इसकी बात करें, ये आया कहाँ पे, इसको पहली बार कहाँ गिवन किया गया, तो अंडर ये आया था 264 एफोरिज्म प्रो 64 से 271 के बीच में बात की गई है, जो हमारी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बुक में दिया हुआ है। ड्रग प्रिपेयर बाय, अगर बात करें कि इसमें ड्रग कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, कौन कौन सी क्लास में कौन कौन सी ड्रग आती है, तो ओल्ड मेथड में हमारी टोटल कितनी क्लासेज होती है, 9 क्लासेज। ठीक, अब इसमें जो 9 क्लासेस होती है उसमें कैसे कैसे हमारी प्रिपेयर की जाती है, तो मदर टीचर जो हमारा आता है वो क्लास 1 से क्लास 4 तक आता है, जिसमें एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस का नाम है एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से हम क्लास 1 से क्लास 4 तक मदर टीचर को तैयार करते हैं। फिर मदर सॉल्यूशंस जो हमारे आते हैं क्लास 5th और क्लास 6 में मदर सॉल्यूशंस आते हैं, जिसमें जो प्रोसेस है हमारी वो सॉल्यूशंस और डिसॉल्विंग एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा हम इसमें मदर सॉल्यूशंस तैयार करते हैं। फिर थर्ड वन है मदर सब्सटेंसेस, मदर सब्सटेंसेस जो हमारे क्लास 7 से और क्लास 9 तक आती है, जहाँ पे हम सॉलिड व्हीकल को यूज कर रहे थे, उसमें एक प्रोसेस है ट्रेचुरेशन, जिसके द्वारा हम अपने मदर सब्सटेंसेस को तैयार कर रहे थे। तो ये हमारा ओल्ड मेथड में गिवन था। अब हम ओल्ड मेथड जो है हमारा उसको एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक फोटो चार्ट इसका बनाया गया है, उसके माध्यम से चलते हैं कि कैसे कैसे इसमें प्रोसेस होती है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, सोर्सेज के अकॉर्डिंग उनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पे ये चार्ट तैयार किया गया है ओल्ड मेथड का। बाय इमर्शन, बाय डिसॉल्विंग और बाय ग्राइंडिंग, ये तीन प्रोसेस हैं। इन तीन प्रोसेस से हमारे मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशंस और ट्रेचुरेशंस तैयार किए जाते हैं। ट्रेचुरेशन जो प्रोसेस होती है इसको मदर सब्सटेंसेस भी हम बोलते हैं। तो हमारा जो मदर टिंचर है, मदर टिंचर में हमने आपको बताया था कि क्लास 1 से क्लास 4 तक आता है। तो क्लास 1 में हमारे मोस्ट जूसी प्लांट आते हैं, क्लास 2 में हमारे मीडियम जूसी प्लांट्स आते हैं, क्लास 3 में हमारे लीस्ट जूसी प्लांट आते हैं और क्लास जो 4th है हमारा ड्राई वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंसेस आते हैं। अब हमारी प्रोसेस है डिसॉल्विंग, जिसमें मदर सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं। हमने आपको इसमें बताया था कि इसमें दो क्लासेस होती हैं, क्लास 5th और क्लास 6th। दिन दो दोनों क्लासेस होती हैं, इनका सब डिविजन होता है, क्लास 5th का 5th ए और 5th बी में, इसी प्रकार क्लास 6 का 6 ए और 6 बी में सब डिविजन होता है। अब ये जो हमारी क्लास 5th है, ये एक्वस सॉल्यूशन वाली प्रोसेस है। इसमें वाटर जो होता है हमारा, उसमें जो सोल्यूबल होती हैं मेडिसिंस, उनसे डिसॉल्व होती हैं, उनसे इसमें मदर सॉल्यूशंस तैयार किए जाते हैं। तो इसमें 5th ए में जो है लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होता है, कि इसमें जो ड्रग सब्सटेंस है कुछ ऐसे होते हैं जो कम क्वांटिटी वाटर में ही तैयार हो जाती है, सोल्यूबिलिटी उनकी उसके आधार पर तय किया जाता है। जिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है, उनको हमने 5th बी में रखा है। सेम ही ऐसे आगे जो हमारे 6th क्लास है वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल यूज होता है मदर सॉल्यूशंस को बनाने के लिए, उसी जो हमारी ड्रग सब्सटेंसेस है उनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर। तो क्लास 6 हमारा है, तो क्लास 6 को सब डिविजन किया 6 ए में और 6 बी में। तो 6 ए में जो दिया गया है वो लेस क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल में जो हमारे ड्रग्स रेडी हो जाती है उनको लिया गया है, और 6 बी में जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल में ड्रग्स तैयार होती है उनको लिया गया है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, लास्ट वाली जो ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग यानी कि जो हमारे सॉलिड जो मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड व्हीकल से जो हमारा तैयार किया जाता है, जो ग्राइंड किया जाता है मोटर और पेशल की मदद से, एक प्रोसेस होती है ट्रेचुरेशन, हमने आपको बताया था। तो इसमें तीन क्लासेज आती है, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9।
क्लास सेवन में ड्राई इंसोल्युबल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको, उनसे हमारा तैयार किया जाता है ट्रेचुरेशन प्रोसेस से मेडिसिन को, और लिक्विड इंसोल्युबल एट क्लास में आता है, और फ्रेश वेजिटेबल और एनिमल ड्रग सब्सटेंसेस क्लास नाइन में आता है। अभी ये दिस मेथड इज नाउ डिस्कार्डेड, जो हमारा क्लास नाइन है अभी ये चलन में नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे आगे, हमने चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की कि उनकी सोलिबिलिटी के आधार पर ओल्ड मेथड में कैसे कैसे ड्रग्स को रखा गया है।